हेलो दोस्तों, साउ साउ चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीमार्ट शेयर के बारे में। डीमार्ट शेयर जो अभी देख पा रहे, जो प्राइस 4728, इसको हम वन डे कैंडल में देखेंगे। वन डे कैंडल यानी 6 मंथ का कैंडल छोटा करके देखेंगे। और जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये पिवट लाइन है। पिवट लाइन को हम अभी हाइड कर देते हैं। ये कट जाने के बाद हमको क्लियरली चार्ट दिखाई देगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बना है। यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बना है। फ्लैग पैटर्न मीन्स ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मीन्स आपको जब 5000 के आसपास हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर सुपर ब्रेकआउट लेवल। अगर ये सुपर ब्रेकआउट लेवल 5000 अगर क्रॉस होता है, तो यहाँ से लेके 6000 तक बहुत बढ़िया मूवमेंट आएगा। तो आप अभी फ्लैग बटन टाइप का जिसे हम देख पा रहे ऊपर से नीचे तक जिसे फ्लैग बना है, और यहाँ से जो करेंट प्राइस 4728, यही प्राइस ब्रेकआउट हम देख पाएंगे। तो ब्रेकआउट हम कहाँ से लेंगे? 5000 यहाँ से ब्रेकआउट होने से 6000 तक जा सकते हैं। अगर 5000 तक अभी होल्ड करना चाहेंगे, तो हम स्टॉप सपोर्ट लेवल 4500 यानी 4500 से लेके 4700 बीच में जो प्राइस मिलता है, उसी प्राइस पे आप इन्वेस्ट करिए और 5000 के आसपास में सेल कर दीजिए। अगर 5000 के आसपास में लॉन्ग टर्म बेसिक में रखते हैं, तो वहाँ से बहुत बड़ा मोमेंट आएगा, 6000 तक क्रॉस कर सकता है। तो यही है डीमार्ट चार्ट, सबसे बढ़िया शेयर है। डीमार्ट को आप लॉन्ग टर्म बेसिक में लीजिए और यहाँ से बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा रहा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि डीमार्ट शेयर सबसे बेस्ट शेयर है, और आने वाला समय में इसका जो प्राइस आप देख पा रहे 4725 और 5000 तक यानी 6000 भी क्रॉस होते हुए दिखाई देगा। थैंक यू, बाय बाय।